एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है वो ये है कि क्यों इरेगुलर हो जाते हैं आपके पीरियड्स। जी हाँ, जो पीरियड्स हैं वो अनियमित क्यों हो जाते हैं, टाइम पे क्यों नहीं आते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पीरियड्स जो हैं वो डेट के पहले आ जाते हैं, या फिर डेट जो होता है उनका उसके बाद भी एक हफ्ते दो हफ्ते तक नहीं आते हैं, फिर आते हैं। किन्हीं किन्हीं के तो दो महीने पे एक बार आते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो लड़कियों को बनी रहती हैं, बहुत सारी लड़कियों को। और क्योंकि ये इंडिया है तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो अपने घरों में बात करने से थोड़ा हिचकती हैं इन सब टॉपिक्स पे। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं के लिए लेके आई जिनको कि ये क्वेरी है कि क्यों उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या फिर अनियमित क्यों हो गए हैं, क्या रीजंस हैं। तो आज मैं इसी का आंसर आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, या फिर स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न है वो है कैफीन का सेवन। जी हाँ, यानी कि कैफीन को इंटेक करना। तो बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कैफीन लेती हैं, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह हो गई, या फिर चॉकलेट हो गए, सोडा, चाय, इस तरह की चीज़ों में कैफीन होता है जिसका इंटेक आपको ज़्यादा नहीं करना है। गाइस, इसका जो है सीधा असर आपके हार्मोन्स पे होता है। और अगर आप कैफीन का ज़्यादा सेवन करते हैं तो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, आप कह सकते हैं। और उससे जो है आपके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। जी हाँ, जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ेगा उतना जल्दी आपके पीरियड्स आएंगे। तो आपको ज़्यादा कैफीन इंटेक नहीं करना है, वरना जो पीरियड्स हैं वो आपके समय से भी पहले आ जाया करेंगे, इरेगुलर रहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नॉर्मल जो पीरियड की साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। तो अगर इस समय तक में आपका नहीं आ रहा है, या फिर काफ़ी जल्दी आ जा रहा है, 20 दिन में आ जा रहा है, 15 दिन में आ जा रहा है, तो उन्हीं चीज़ों का आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ। डाइट का ध्यान रखना। जी हाँ, आपको अपनी डाइट का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका जो वेट है, वजन है, वो बढ़ते घटते रहता है या फिर बढ़ रहा है, तो फिर आपके हार्मोन्स पे असर होगा और उससे भी आपके पीरियड्स पे आप कह सकते हैं इरेगुलर होंगे आपके पीरियड्स। तो हमेशा ही अपने डाइट पे ध्यान रखिए, ना ज़्यादा वजन कम हो आपका, ना ज़्यादा बढ़े, मतलब बैलेंस करके चलिए। तो उससे आपके जो हार्मोन है वो नॉर्मल रहेंगे और पीरियड्स भी आपके नॉर्मल साइकिल यानी कि टाइम पर ही आएंगे। नेक्स्ट है गाइस, अल्कोहल का इस्तेमाल। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा, आप कह सकते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो भी इसका जो है आप असर आपकी बॉडी पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आपके हार्मोन्स पे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो भी अल्कोहल है वो सीधा आपके लीवर पे अटैक करता है, आप सबको तो पता ही है। और जो भी पीरियड्स के लिए जो हार्मोन ज़रूरी होते हैं वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं लीवर से। जी हाँ, लीवर ही उसे बैलेंस करता है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड्स को आप कह सकते हैं बैलेंस करते हैं। और लीवर जो है इन दोनों ही हार्मोन्स को आप कह सकते हैं बैलेंस करता है। तो लीवर को आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है। अगर आप अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो इन दोनों ही हार्मोन्स पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि आपके पीरियड्स पर इफेक्ट पड़ेगा। वो जल्दी भी आ सकते हैं और देर भी हो सकती है। ज़्यादातर अल्कोहल के यूज़ से जल्दी आते हैं पीरियड्स, ये मैं आपको बता दूँ। स्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही पीरियड्स को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ये हार्मोन्स ही पीरियड्स के लिए आप कह सकते हैं रीज़न होते हैं, मैं ये कह पाऊँगी। नेक्स्ट रीज़न है गाइस, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, या फिर आपकी बॉडी अगर ज़्यादा थक जाती है रेगुलर वेज में, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है आपके इरेगुलर पीरियड्स का। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी तैयार नहीं होगी तब तक पीरियड्स आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि पीरियड्स के टाइम में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होती ही है, हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत चाहिए होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा लेजीनेस फील होता है, दर्द वगैरह बहुत सारी लड़कियों को होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा आराम तो चाहिए ही होगा। तो अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस पूरे महीने मत दीजिए ताकि पीरियड्स टाइम पे आ पाए, वरना अगर आपकी बॉडी रेडी नहीं रहेगी पीरियड्स के लिए तो हार्मोन भी एक तरह से बैलेंस नहीं रहेंगे, तो पीरियड्स भी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है टेंशन लेना। जी हाँ, यानी कि तनाव। सो गाइज़, अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके पीरियड्स इरेगुलर होने का। इनफैक्ट बाकी जो भी रीज़न मैंने बताया वो तो नहीं भी हो सकता है, बट ये वाला कन्फर्म होता है। ये मैं आपको बता दूँ कि जो भी लड़कियाँ टेंशन वगैरह लेती हैं, ज़्यादा सोचती हैं, इस तरह का माहौल है उनके साथ, तो फिर आपके पीरियड्स पर डेफिनेटली असर पड़ेगा, आपके पीरियड्स ज़रूर इरेगुलर होंगे। जो मैंने दो हार्मोन्स बताए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके हार्मोन्स को। और अगर आपकी आप हार्मोन्स में, ब्लड में अगर टेंशन वगैरह इस टाइप की चीज़ें होंगी तो जाहिर है इंबैलेंस हो गया और आपके पीरियड्स भी इंबैलेंस हो गए। तो कभी भी आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और अगर लेते हैं तो आज से लेना बंद कर लीजिए। आपके जो पीरियड्स हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम से आना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगे।
रीज़न है गाइस जो कि बहुत कॉमन तो नहीं है, बहुत रेयर ही होता है, वो है ओवेरी में आपके प्रॉब्लम होना। जी हाँ, कोई भी समस्या हो सकती है, ओवेरी में आपके सिस्ट हो सकता है या फिर कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं जिसके कारण आपके पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी बॉडी में आपके प्रॉब्लम होगा आपके हारमोन्स पर इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद हारमोन्स पर इफेक्ट पड़ रहा है यानी कि आपके पीरियड्स पर ज़रूर ही इफेक्ट आना ही आना है। पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपके पीरियड्स में अनियमितता है यानी कि रेगुलर नहीं है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको अपने फेस पे ज़्यादा हेयर देखने के लिए मिल सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा आप थका थका फील करेंगे, आपको थोड़ा अजीब फील होता रहेगा, नॉर्मल आप फील नहीं कर पाएंगे, पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं आपके फेस पे, पिगमेंटेशन हो सकते हैं, या फिर अगर आप इन केस चाहते हैं चाइल्ड बर्थ करना है, इन सब चीज़ों में भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो कभी भी ओवेरी में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील हो तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं, बट ये काफ़ी रेयर होता है, मैं ये आपको बता दूँ। इतनी ज़्यादा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर हो भी गया तो इसके भी बहुत सारे इलाज हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बाकी सभी चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। और लास्ट रीज़न जो हो सकता है फ्रेंड्स आपके पीरियड्स इरेगुलर होने का, वो है मेडिसिन। जी हाँ, आप किसी भी रीज़न से अगर दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी भी तरह की दवाई ले सकते हैं आप, थायराइड की या फिर कोई भी तरह की दवाई जो आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, या 10 से 15 दिन के लिए भी ले रहे हैं, 5-6 दिन तक भी अगर आपने लगातार लिया है, तो उससे भी इस वीक की पीरियड्स पे आपको इफेक्ट आना आप कह सकते हैं कि निश्चित ही है। जी हाँ, क्योंकि कोई भी दवाई आप लेते हैं तो वो हार्मोन्स पे इफेक्ट डालते हैं, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि पीरियड्स के लिए दो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इन दोनों ही हार्मोन्स पर असर डालते हैं, और जैसे ही इन दोनों हार्मोन्स पर असर आता है आपके पीरियड्स पर भी असर आता है। तो अगर आप कोई भी दवाई वगैरह ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रीज़न है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर आते हैं या फिर इरेगुलर हो गए हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब कारण है, अगर आप इन्हें बंद कर देते हैं, अगर दवाइयाँ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको लेना ही होगा, बट बाकी जो भी रीजंस वगैरह हैं अगर आप इन्हें बंद कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने, बट वापस से वो ट्रैक पे आ जाएंगे। और अगर इन सब चीज़ों को छोड़ने के बावजूद भी, मतलब रीजंस को ध्यान में रखने के बावजूद भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं कि आपके पीरियड्स जो है वो क्यों इरेगुलर हो जाते हैं, क्यों समय से पहले आने लगे हैं या समय के बाद आते हैं, 2 महीने पे एक बार आते हैं, ये सब कुछ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।